छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है तेनालीराम। मैं तेनालीराम, विजयनगर मेरा धाम। एक बार की बात बताओ, बुद्धि का बल सबको समझाओ। एक बार विजय दशमी के दिन पहलवानों की गोष्ठी का आयोजन हुआ और पूरे भारत में से सभी पहलवानों को आमंत्रित किया गया। पर जब सभी पहलवानों ने सुना कि दिल्ली का खूंखार बाहुबली तड़का पहलवान आने वाला है तो सब पहलवान डर गए और कुश्ती में से अपना नाम वापस लेने लगे। तो राजा हो गए बहुत परेशान। तभी उन्होंने मुझे बुलाया और बोले, तेनालीराम, इस मसले का कोई हल ढूंढो। तभी मैं तड़कम पहलवान से मिलने गया और जो मैंने उसे देखा वो सच में पहाड़ जैसा लंबा और चौड़ा था, बहुत ही खूंखार था। तभी मैंने उससे कहा, हे बाहुबली, मैं तो खाम खाम में चिंतित था कि कल कुश्ती की सरगम अच्छे से होगी या नहीं होगी, कि उसको देखने के लिए लाखों में लोग एकत्रित होने वाले हैं। पर आपके बाहुबल को देखकर मैं निश्चित हो गया कि कल आप कुश्ती के सरगम शॉट अगर शिद्दत से ही करेंगे। और यह कहकर मैं वहां से निकल गया। अब पहलवान चिंता में पड़ गया कि आखिर ये कुश्ती की सरगम होती क्या है, कहीं मैं हंसी का पात्र ना बन जाऊं। यह सोचकर और बिना किसी समस्या का सामना करे सरगम सरगम से डर कर भाग गया। समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हमें उसे डरना नहीं चाहिए। क्योंकि समस्या छलावा भी हो सकती है, जैसे कुश्ती की सरगम जैसी तो कोई सरगम ही नहीं होती। फिर सारे पहलवानों ने रात की सांस ली और कुश्ती का आयोजन सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। तो बच्चों देखा, बुद्धि ने कैसे बल को